व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के भीतर भीतर मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और ये वैलिड है। कहीं पर भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी प्रकार मैं अपने दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, दूसरे कोई भी RC वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसे मैं व्हाट्सएप पर ही सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड कर सकता हूँ और उसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकता हूँ। और इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप यूज़ करेंगे, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिजी लॉकर सर्विस है। डिजी लॉकर भारत सरकार की एक ऑनलाइन डिजिटल सर्विस है। ये एक एप्लीकेशन है जिनमें आप अपने किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं और उनका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल हर जगह वैलिड रहता है। भारत सरकार की तरफ से अब डिजी लॉकर सर्विस को व्हाट्सएप पर लॉन्च कर दिया गया है और सरकार की तरफ से एक नंबर भी जारी किए गए हैं। उस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव करके आप अपने डिजी लॉकर में मौजूद किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं विद इन ए मिनट और कुछ ही सेकंड के अंदर एक क्लिक करके कर सकते हैं। सो ये प्रक्रिया काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है। आप बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट के, बिना झंझट मारी के किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। सो किस प्रकार से आप व्हाट्सएप पर अपने किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है जिसका नाम है माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क। सिंपली हम यहाँ पर हाई टाइप करके सेंड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है हाय, या फिर आप इनको सेव भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इस नंबर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी शो कर रहा है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर हाय टाइप करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, मैसेज आएगा फिर से, दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क, पब्लिक सर्विस। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कोविन सर्विस और डिजी लॉकर सर्विस। अगर आप कोरोना वायरस से संबंधित कुछ भी चाहते हैं, सर्टिफिकेट, कोविन का आपका अपॉइंटमेंट वगैरह, तो कोविन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अदरवाइज आप डिजी लॉकर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें, क्योंकि डिजी लॉकर के जरिए ही हम अपने सभी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर में कैसे अकाउंट बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करें, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिजी लॉकर सर्विस को एक्टिव को टिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि क्या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है। तो सिंपली हमारे पास है तो हम यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कीजिए, सीधा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रेट, प्लीज़ एंटर योर 12 डिजिटल आधार नंबर। सिंपली हमें अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा डिजी लॉकर अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए कि ये हम ही हैं यूज़ करने वाले अकाउंट हमारा, व्हाट्सएप कोई और यूज़ नहीं कर रहा है, किसी और के हाथ में हमारा मोबाइल नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना 12 डिजिटल आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। अपने आधार कार्ड नंबर एंटर करते ही यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया है, वो OTP यहाँ पर एंटर कीजिए या फिर रजिस्टर सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। बिकॉज हमें OTP रिसीव हो चुकी है, सिंपली हम OTP को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। OTP को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, ये वेरीफाई करेगा कि क्या ये OTP सही है, उन्होंने जो OTP सेंड किया है क्या ये OTP वही है। सिंपली OTP को हम सेंड करेंगे और ये वेरीफाई कर लेगी और ये सब काम विद इन ए मिनट होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं 30 सेकंड का कन्फर्मेशन टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम लगता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो डिजी लॉकर अकाउंट है उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड दो है और तीसरा आधार कार्ड ही है। सो हम इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, सिंपली आधार, या फिर आप इश्यू करवा सकते हैं। इश्यू रहेगा तो कुछ इश्यू पे क्लिक करें। सिंपली हम सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए दो टाइप करेंगे, दो नंबर टाइप करेंगे पैन कार्ड के लिए और एक नंबर टाइप करेंगे आधार कार्ड के लिए। आप जो भी कार्ड चाहते हैं उसके सामने वाले अंक को टाइप करें। सिंपली हम चलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करके दिखा देते हैं। सिंपली एक नंबर टाइप करके सेंड करेंगे और यहाँ पर ये हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेंड कर देंगे। देख सकते हैं आप, प्लीज़ अलाउ मी मोमेंट टू गेट योर डॉक्यूमेंट, हेयर इज योर, प्लीज़ फाइंड द ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर हमारे सामने ये इन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है। सिंपली हम इसे यहाँ से करते हैं डाउनलोड। प्लीज़ सेलेक्ट अदर वन ऑप्शन, यानी आपको कोई और चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट को हम डाउनलोड करते ही क्लिक करेंगे, ओपन करते ही हमारे सामने ड्राइविंग लाइसेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर
और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। हम इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये वैलिड है, बिल्कुल वैध है। जहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल होना है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। सो इस प्रकार से आप व्हाट्सएप पर काफ़ी आसान तरीके से कुछ ही सेकेंड के अंदर, विदिन ए सेकेंड, आप अपने किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने ड्राइविंग डिजी लॉकर के अंदर सेव किया है, उसे आप विदिन ए सेकेंड सीधे अपने व्हाट्सएप पर कुछ ही सेकेंड के अंदर सिंपली क्लिक करते ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये प्रक्रिया काफ़ी आसान है, काफ़ी फास्ट है, और आने वाले टाइम में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो सकती है। लोगों को ये सर्विस काफ़ी अच्छी लगी, और गवर्नमेंट द्वारा भी बढ़ती टेक्नोलॉजी और बढ़ते इंटरनेट के साथ कई नए नए सर्विस लॉन्च किए जा रहे हैं, और हमें तो ये सर्विस काफ़ी अच्छी लगी। आपको सर्विस कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप डिजीलॉकर पर अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली अपना डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, और इस नंबर पर आप मैसेज करके, इस नंबर को सेव करके आप माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क की मदद से व्हाट्सएप पर ही अपना सभी सरकारी डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और आपके सभी डॉक्यूमेंट अगर गवर्नमेंट के पास सेफ रहेंगे तो आपको अपने मोबाइल में रखने के भी कोई झंझटमारी नहीं बचेगी। सो सिंपली आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हाई टाइप करना है, उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए सिंपली डॉक्यूमेंटेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिजीलॉकर, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, और आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।